रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार। तो क्या ये जंग दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगी? फ्रांस के महान एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवक्ता नास्त्रदमस ने तो कुछ ऐसे ही भविष्यवाणी की है। कौन थे नास्त्रदमस और क्या थी उनकी भविष्यवाणी, जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दुनिया की तरह तरह की भविष्यवाणी करने में नास्त्रदमस का काफी बड़ा नाम रहा है। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और करीबन 450 साल पहले नास्त्रदमस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। और नास्त्रदमस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रोफेसीज ऑफ नास्त्रदमस। इस किताब में उन्होंने कुल 942 भविष्यवाणियां की थी, जिन भविष्यवाणियों में 70% एकदम सटीक निकली है। खास बात यह है कि इस किताब में लिखी गई भविष्यवाणियां कविता के रूप में है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों को मानने वाले उन कविताओं की अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर भविष्यवाणी में नास्त्रदमस ने लिखा था, साल 2022 में यूरोप में एक युद्ध शुरू होगा, और उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। इस जंग को करते हुए जो नास्त्रदमस ने भविष्यवाणी लिखी थी उसका पूरा सार और डराने वाला है। इस कविता की एक पंक्ति आपको सुनाते हैं। The 7 months the great war people death of evil doing, यानी कि 7 महीने का भयंकर युद्ध और बुरे कामों की वजह से मारे गए लोग। नास्त्रदमस की इस कविता के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरे देशों के बीच मतभेद बना रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अगले साल 2023 में यूरोप में भीषण युद्ध की शुरुआत होगी और इसके बाद इस जंग में कई देश शामिल हो जाएंगे और ये जंग धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। नास्त्रदमस के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 7 महीने तक चलेगा और इस जंग में करीबन लाखों लोगों की जान जाएगी। इस जंग में कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो लोग इस जंग में बच जाएंगे वो नए सिरे से अपनी जीवन की शुरुआत करेंगे। इससे दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी शुरू होगा। इसके अलावा नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में साल 2022 में पूरी दुनिया में महंगाई और भुखमरी की भी भविष्यवाणी की है। दुनिया के कई देशों में आर्थिक संकट गंभीर हो जाएंगे। नास्त्रदमस की अगर इस भविष्यवाणी को अगर श्रीलंका और पेरू जैसे मौजूदा हालातों से जोड़कर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच लगती है। अब आपको नास्त्रदमस की उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल सच साबित हुई है। इसमें जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, दूसरा विश्व युद्ध, 11 सितंबर का आतंकवादी हमला, परमाणु बम बनाए जाने की बात, 2022 में कोरोना वायरस की महामारी वाली भविष्यवाणी शामिल है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो।